अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ को नेचुरल के कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये मैंने एक दो दिन पहले मंगवाए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर कर दूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं और इनकी प्राइस वगैरह क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, तो ये मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ था। इसके ऊपर मेंशन है जी को नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक लग्जरी। इसके अलावा जी मेड लोकली विद 100% रिसाइकलेबल मटेरियल फॉर द लव ऑफ द प्लैनेट। अच्छा जी, जो वैसे जिस बॉक्स में भी हमें चीज़ें रिसीव होती हैं ना, उसके ऊपर उसका नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ होता, मतलब जो इस तरह का बॉक्स होता है, तो इन्होंने प्रॉपर देखें ब्रांड का नाम इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है, जिससे बाहर से लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा ब्रांड होगा और इसकी अच्छी चीज़ें होंगी। मैंने इससे पहले को नेचुरल की चीज़ें जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। तो जी देखते हैं कि फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसा है। अच्छा जी, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये है जी इसका बिल और ये हैं जी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी। इनकी सेल चल रही थी, तो मैं काफ़ी टाइम से ना को नेचुरल की चीज़ें देखती थी और मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती थी इनकी चीज़ें, इनकी पैकेजिंग वगैरह, लेकिन बस मैं मंगवाते मंगवाते रह जाती थी। तो अब मेरी जो है स्किन केयर की चीज़ें, मतलब मेरा फेस वॉश, मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरा सीरम वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलें जी को नेचुरल को ट्राई करते हैं। अच्छा जी, हर किसी की स्किन का कोई ना कोई कंसर्न होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और मेरी स्किन पे कुछ टाइम से ना काफ़ी छोटे छोटे बम्प्स बने हुए थे, तो अब मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से थे और किसी भी चीज़ से वो ठीक नहीं हो रहे थे। वो कभी इस तरह होता था कि वो ठीक हो जाते थे और कभी कभी वो दोबारा थोड़े थोड़े जो है ना विजिबल होना शुरू हो जाते थे। ठीक है, फिर मैंने इनके पेज पे मैसेज किया और मैंने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो इन्होंने उसके मुताबिक मुझे ये चीज़ें सजेस्ट की और जो चीज़ें उन्होंने मुझे कही मैंने वही चीज़ें ऑर्डर की हैं। ठीक है, अच्छा जी, इनकी ना अप टू 50% सेल थी और जिस दिन मैंने ऑर्डर किया उसके नेक्स्ट डे सेल ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा शुक्र है मुझे सेल पे चीज़ें मिल गई। मतलब इन सब चीज़ों की प्राइस तकरीबन 7,000 बनती थी और मुझे ये तकरीबन 4700 में ये सारी चीज़ें मिली हैं, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। अच्छा जी, ये जो है ये मैंने मंगवाया इनका हैंड सैनिटाइज़र, ये उन्होंने नहीं कहा था, ये मैंने खुद मंगवाया है, क्योंकि ये तकरीबन मुझे 170 रुपीज़ में मिल रहा था, इस पर भी सेल लगी हुई थी तो मैंने मंगवा लिया। मतलब आपके बैग में जो है ना सैनिटाइज़र होना चाहिए ताकि आप मतलब कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें कुछ खाने से पहले, या कोई भी इस तरह से, मतलब ज़ाहिर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो बाहर जाके आपको हर जगह पे हैंड वॉश करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए आपके बैग में, तो इसलिए ये मैंने मंगवा लिया। मेरे पास पहले था लेकिन वो ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने जी को नेचुरल वालों का ये हैंड सैनिटाइज़र मंगवाया है। सबसे पहले 120 ml जो है इसमें क्वांटिटी है और इसके ऊपर इसके ब्रांड का नाम वगैरह मेंशन है। इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की ये बॉटल है और इसको ओपन करने पे ये ऊपर से कुछ इस तरह से है, ऐसे होना चाहिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये मुझे वाटरी सी लग रही है। वैसे सैनिटाइज़र जो है वो जेल बेस्ड होते हैं, मतलब मैंने जो पहले यूज़ किए हुए हैं, तो इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि ये कैसा है। पैकेजिंग अच्छी है, 173 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल है। तो जी उसके बाद है ये इनकी एसेंशियल डे क्रीम। ठीक है, को नेचुरल एसेंशियल डे क्रीम मॉइस्चराइज़र फॉर्मुलेटेड विद ऑर्गेनिक ऑयल्स, मतलब ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है। इसके अलावा जी ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम पैराबेंस, मिनरल ऑयल, सल्फेट, सिलिकॉन्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स। ठीक है जी, 50 ग्राम इसकी क्वान्टिटी है। इसके अलावा जी यहाँ पर इसके इन्ग्रीडियंट्स वगैरह मैंशन हैं, बाकी यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट वगैरह भी मेंशन है, ये यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं। जी ओपन करने के बाद अंदर से कुछ इस तरह से है, बड़ी अच्छी बड़ी हैवी किस्म का मटेरियल है इसकी पैकिंग का, सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं इसके ऊपर, बहुत प्यारी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी है और ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिली है। इस पर मेरे हाल से 50% ऑफ था, तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। जी ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से, ये इसके ऊपर लिड था, इसको मैंने हटाया और ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, सही मॉइस्चराइजिंग सा इसका टेक्सचर है, मतलब ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। क्योंकि मैंने इनको यही बताया था कि मेरी स्किन का इशू जो है वो ड्राइनेस है, तो इन्होंने मुझे उस हिसाब से चीज़ें सजेस्ट की हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है, इसकी पैकेजिंग भी, इसकी स्मेल भी और इसका टेक्सचर भी। बाकी मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कि ये मुझे कैसा लगा है। जी उसके बाद ये इनका फेस वॉश है, ये भी इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। और जी इसकी क्वांटिटी है 150 ml,
को नेचुरल डेली एसेंशियल फेस वॉश, लवेंडर एंड कैमोमाइल, अ जेंटल फेशियल क्लेंजर फॉर्मुलेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप्स, ठीक है जी। सल्फेट पैराबेन आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री है ये, आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस रखेगा। इसके अलावा जी इसके यूज़ करने का तरीका मेंशन है यहाँ पे, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, मेड इन पाकिस्तान है। आप इसको ओपन करने के बाद 12 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और ठीक है ये, मतलब कि छोटी नहीं है ये ट्यूब, काफ़ी है इसकी क्वान्टिटी। और जी इसकी जो प्राइस है वो ये मुझे मिला है 934 रुपीज़ में, ऑफ़ पे मिला। ये भी अब मुझे याद नहीं है कि इस पर कितना ऑफ था या इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है। अब सेल ख़त्म हो गई, अब आप अगर बाय करेंगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस पे ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि ये कैसा है। इसके अलावा जी ये है सनब्लॉक, और दो सीरम मैंने मंगवाए थे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ है हर चीज़ को, तो बबल रैप हुआ हुआ है ये। अब मैं इसको ओपन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये इनका सनब्लॉक है, काफ़ी हल्का सा लग रहा है क्योंकि बॉक्स तो काफ़ी बड़ा है, शायद अंदर इसका छोटी ट्यूब होगी। 30 ml है ये, सुपर एक्टिव SPF 60 है इसमें, PA++++ UVA और UVB रे से प्रोटेक्शन देता है, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा जी ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है। डर जी वही बात हुई है कि मैंने इसको ओपन किया ना तो वो देखें बहुत नीचे, मतलब आधा डिब्बा जो है ना ये इसका हाल ही है, ये बाहर से बॉक्स ही बड़ा है, अंदर छोटी सी ट्यूब ही होगी। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ जी। तो ये कुछ इस तरह से छोटू सी क्यूट सी इसकी ट्यूब है, ये देखें अब ये बॉक्स काफ़ी बड़ा है, ना तो इसकी चौड़ाई इसके साथ मैच कर रही है और ना ही इसकी लंबाई इसके साथ मैच कर रही है, काफ़ी छोटी सी इसकी पैकेजिंग है। तो जी अब इसको यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है। डिटेल्स वही सारी मेंशन है जो बॉक्स के ऊपर मेंशन थी, 650 रुपये में है ये, मुझे काफ़ी सस्ता लगा था तो मैंने इसको मंगवा लिया। यूज़ करके बताऊँगी कैसा है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, मेरे ख्याल से ये 15 दिन तक ही चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यूज़ करके इसका रिव्यू दूँगी, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ये इनके दो सीरम्स थे, ये सब चीज़ें जो सनब्लॉक है ना वो मैंने खुद से ऑर्डर किया है, और इसके अलावा सैनिटाइज़र मैंने खुद से ऑर्डर किया है। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने ना मुझे मेरी स्किन टाइप के लिहाज से रिकमेंड की थी कि आप ये वाली चीज़ें यूज़ करें, ठीक है। इन्होंने मुझे दो सीरम्स का कहा था, हाइलरोनिक एसिड एंड नियासिनमाइड। तो मैंने ये सीरम्स इससे पहले यूज़ नहीं किए, मतलब अलग से मैंने यूज़ नहीं किए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कोई नाइट क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर्स वगैरह जिनमें ये वाले जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, तो उस तरह शायद मैंने यूज़ किया हो, लेकिन मैंने अलग से ये वाले सीरम्स यूज़ नहीं किए। मैंने एक FW ऑर्गेनिक्स का वाइटामिन सी सीरम यूज़ किया, और इसके अलावा मैंने निर्वाणा बोटानिक्स का एक ब्राइटनिंग सीरम है वो यूज़ किया, ठीक है। इस तरह के सीरम मैंने आज से पहले यूज़ नहीं किए, तो देखते हैं जी ये मेरी स्किन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका मुझे कोई रिजल्ट वगैरह मिलता है या नहीं। अच्छा जी उन्होंने मुझे कहा था कि आप दो सीरम्स लें, तो मैंने उनसे कहा था कि दो सीरम्स एट अ टाइम यूज़ कैसे कर सकती हूँ मैं, मतलब ये तो कहते हैं कि आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो और रात को भी, लेकिन मैं दिन को यूज़ करना जो है ना पसंद नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों ने हमारा इस तरह की रूटीन होती है, हमने धूप में भी जाना है और हमने किचन में भी जाना है, चूल्हे के पास भी जाना है, तो इस तरह की सीरम्स वगैरह लगा के ना चूल्हे के पास हीट के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं दिन को सीरम, अगर कोई ब्रांड कह रहा है कि आप दिन को अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी मैं दिन को अप्लाई नहीं करती, मैं सिर्फ रात को अप्लाई करती हूँ। दिन को मैं सिर्फ सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, ठीक है, मॉइस्चराइज़र या सन ब्लॉक, सीरम मैं दिन को अप्लाई नहीं करती। इन्होंने भी इन दोनों सीरम्स का कहा है कि आप इसको डे टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम पे भी, दो टाइम, लेकिन मैं इसको एक टाइम ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने इनसे बोला कि आप दो सीरम्स क्यों दे रहे हैं इकट्ठे, मतलब इनको हमने इकट्ठे यूज़ करना है, उन्होंने कहा जी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपने बस एक सीरम को अप्लाई करना है, फिर उसके बाद 5 मिनट का कह देना है, फिर आपने नेक्स्ट वाला सीरम अप्लाई करना है। ये दोनों इनके डिफरेंट काम हैं, एक जो है वो ड्राइनेस के लिए है, मतलब जिनकी स्किन ड्राई है उसको हाइड्रेट करेगा, और जो दूसरा सीरम है वो है जी आपकी स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, अगर बम्स वगैरह है या ओपन पोर्स हैं, उस चीज़ के लिए जो है ना ये उस चीज़ को ट्रीट करेगा, ठीक है जी। इन दोनों पे मेंशन है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं, इसके अलावा जी ये वाटर बेस्ड हैं, AM एंड PM फार्मूला है कि आप इसको सुबह भी यूज़ कर सकते हैं और रात को भी, दो टाइम यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रेग्रेंस वगैरह इसमें नहीं है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। बाहर से हम इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये दो सीरम्स हैं, एक मुझे तकरीबन 950 रुपये में मिला है और एक मुझे तकरीबन 700 रुपये में मिला है। अब किसकी क्या प्राइस है वो मुझे अलग से नहीं पता, मैं साथ मेंशन कर दूंगी, तो बाकी मैं यूज़ करके बताऊंगी। मैंने उनको जो वजह बताई थी कि मेरी स्किन पर ड्राइनेस है, इसके अलावा मेरी स्किन पर छोटे छोटे बम्प्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ये दोनों सीरम्स रिकमेंड किए हैं। अब मैं इनको यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि मेरी ड्राइनेस इससे जो है वो कम हुई है या नहीं। वो कहते हैं कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, रेडनेस वगैरह को जो है वो ठीक करेगा, इसके अलावा रिंकल्स वगैरह जो हैं, फाइन लाइन्स हैं, उनको भी कम करेगा। तो काफ़ी सारे उन्होंने फ़ायदे बताए थे और उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये दोनों यूज़ करें आपकी स्किन टाइप के मुताबिक। उन्होंने मेरी एज भी पूछी थी, मेरी स्किन टाइप पूछी थी, मेरे मसला क्या है स्किन का, वो सारा कुछ पूछा था।
उसके बाद उन्होंने मुझे ये सीरम्स रिकमेंड किए थे, तो जी मैं इनको यूज़ करके आपके साथ इनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अभी ये आपको अपनी ओरिजिनल प्राइस पे मिलेंगे, मुझे ये ऑफ पे मिले थे। अच्छा जी, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे जाके ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।